हमने इसके पांच नंबरिकल कर लिए थे, आज हमने इसका छठा नंबरिकल शुरू करना है। उसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। इसमें अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज, द रिजल्टिंग वेव हैज वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। ठीक है, गिवन डेटा में क्या है, फ्रीक्वेंसी वन बार से 12 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज 12 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ की बताया है कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। इसका यूनिट सेंटीमीटर नहीं होता बल्कि मीटर होता है, मीटर में लाने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 0.03 मीटर। हमने वी फाइंड करना है, क्योंकि कहा गया है वेव स्पीड फाइंड करें। ठीक है, वी फाइंड करना है, वी इक्वल टू एफ लैम्डा, ये इसका फॉर्मूला लगा दिया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले v फाइंड करना है, l की वैल्यू का, f की वैल्यू हमारे पास गिवन है 12। ठीक है, f की वैल्यू कितनी है 12 और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 0.03। ये दोनों हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.36 मीटर पर सेकंड। साथ हम स्पीड का जो है वो यूनिट लिख लेंगे 0.36 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.7, उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। A transfer wave produced on spring has frequency of 190 Hz. Frequency हमारे पास 190 Hz है and travel along a length of spring of 90 meter. और जो spring की length है वो हमारे पास कितनी है 90 meter in 5 second. Length से मुराद इसमें total distance है, वो हमारे पास कितना है 90 meter. और कितनी देर में 0.5 सेकंड। ठीक है, फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ वेव, टाइम पीरियड फाइंड करना है एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, और वेव की स्पीड जो है वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द वेव लेंथ, और हमें वेव लेंथ फाइंड करना है। तीन चीजें हैं टोटल, हमने तीन चीजें फाइंड करनी है। डेटा आपको समझ आ गया है, आप शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था कितनी थी 90 हर्ट्ज, और जो डिस्टेंस है स्प्रिंग की इंटर लेंथ का वो कितना है 90 मीटर। कितना टाइम लगा है 0.5 सेकंड, हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड, स्पीड एंड वेवलेंथ। ये तीन चीजें जो है हमने फाइंड करनी है, ये हमने डाटा लिख लिया है। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है t = 1 / f, t = 1 / f। ठीक है, ये आ गया मेरे पास t1, f की वैल्यू 1/190, t = 0.01 सेकंड, हमारे पास कितना आएगा 0.01 सेकंड। आप वैल्यू को देख लीजिएगा। फिर दूसरे नंबर पे है v, स्पीड फाइंड करनी है, v = s/t, मैंने भी आप पढ़ चुके हुए हैं v = s/t। ठीक है, v फाइंड करना है, l की वैल्यू आएगा, s हमारे पास है 90 मीटर। ठीक है, 90 आ गया और t की वैल्यू हमारे पास है 0.5 सेकंड। उसके बाद अब हमने फाइंड करना है लैम्डा, जो लास्ट में जाएगी थर्ड, v इक्वल टू f लैम्डा। ठीक है, v हमारे पास 180 आ चुका हुआ है, f हमारे पास पहले ही गिवन है ऑलरेडी, कितना है 190। ठीक है, मल्टीप्लाई 190 और मल्टीप्लाई, अब अननोन वैल्यू हमारे पास है वो क्या है लैम्डा, ये लैम्डा आ रहेगा 190 से मल्टीप्लाई है, मतलब क्या होगा डिवाइड 180 डिवाइडेड बाय 190, 180 बाय 190। ठीक है, अब हम इसको इसमें डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.95 मीटर। ठीक है, इनको रेंज करके हमने लिखा है, 190 से डिवाइड होगा लैम्डा इधर ना, आप चाहे तो इधर लिख सकते हैं, मतलब रेंज करके ये मान लीजिए, इनको एक बिट डिवाइड किया लैम्डा हमारे पास आ गया है 0.95 मीटर। ठीक है, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। मैंने कहा नंबर 10.8, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं।
वाटर वेव्स इन शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एट वन पॉइंट वाटर मूव अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड. ये 4.8 पर सेकेंड ऑसिलेशन है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर वेव. स्पीड ऑफ वाटर वेव फाइंड करनी है एंड टाइम पीरियड. और आपने क्या फाइंड करना है इसका टाइम पीरियड. ठीक है, देख लेते हैं डाटा जो गिवन है. सबसे पहले हमें डाटा गिवन में है हमारे पास लैम्डा. लैम्डा इसकी टोटल लेंथ है, मतलब दैट इज 6 सेंटीमीटर. लैम्डा कितना है 6 सेंटीमीटर. ठीक है, उसको सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 0.06 मीटर. फ्रीक्वेंसी मैंने बताया है, ये दी गई है 4.8 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 4.8 हर्ट्ज. अब उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है v, इसकी v स्पीड, वेव की स्पीड और टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है. ठीक है, सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं सॉल्यूशन की तरफ करते हैं v स्पीड ऑफ वेव फाइंड कर लेते हैं. v इज इक्वल टू f लैम्डा. f की वैल्यू हमारे पास है 4.8. ठीक है, मल्टीप्लाई लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 0.06. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू 0.29 मीटर पर सेकंड. ठीक है, अब v तो हम फाइंड कर चुके हैं, एक और वैल्यू भी है जो हमें फाइंड करनी है, वो हमारे पास क्या है, वो है टाइम पीरियड. हमने क्या फाइंड करना है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड के फार्मूला लगाएंगे फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल वाला, t इज इक्वल टू 1/f. t इज इक्वल टू 1/f इज 4.8, इसको इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 0.21 सेकंड. ठीक है, ये न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हो गया है, आप सब बच्चों को समझ आ गई होगी. नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं. कितनी देर लगी उस वाटर टैंक को क्रॉस करने में. ये जो है ये लेंथ जैसी आप एक साइड कह लें वो दी गई है इसकी रिपल टैंक की, वो कितनी है डिस्टेंस में 80 सेंटीमीटर. एस हमारे पास कितना है 80 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम इसको हंड्रेड में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8 मीटर. ठीक है, 80 डिवाइड बाय 100, 0 0 से कट गया, 10 डिवाइड बाय 8.8 मीटर आएगा. हमने ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया है. फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 5 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 हर्ट्ज. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी लिखी. अब वेव लेंथ की वैल्यू कितनी है 40 मिलीमीटर. मिली को खत्म करने के लिए आपने ये 9 में पढ़ा था, अपने फिक्सेस में 10^-3 होता है 40 मंडरा, ये मिली की जगह पे 10^-3 साथ निकल आ गया. टाइम आपने इसमें फाइंड करना है. टाइम फाइंड करने के लिए आपको v, s और t चाहिए. v तो हमारे पास इसमें नहीं गिवन, s है. ठीक है, और t भी है. सबसे पहले v फाइंड कर लेते हैं. v इज इक्वल टू f लैम्डा. v इज इक्वल टू f लैम्डा. v आ गया, f कितना है 5 और लैम्डा कितना है 40 मल्टीप्लाई बाय 10^-3. 40 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 200. और ये 10^-3 है. 10^-3 का मतलब होता है 1000. अगर ऊपर आए तो माइनस में और नीचे आएंगे तो प्लस में 1000 हो जाएगा. ठीक है, 10^3 जो होता है इसका मतलब होता है 1000 इक्वल टू 1000 और 10^2 का मतलब होता है 100. ठीक है, तो हमने इस पर रिजल्ट प्लस कर दिया 200 डिवाइड बाय 1000 से 10^2 डिवाइड किया 0.2 मीटर पर सेकंड. ठीक है, ये हमने वी फाइंड कर ली है. अब हम अपने मेन से जाते हैं कि हमने फाइंड करना है टाइम. क्या फाइंड करना है टाइम. ठीक है, टाइम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू s बाय t. v इज इक्वल टू s बाय t. ठीक है, t इधर आ जाएगा, v इस साइड पे आ जाएगा क्योंकि t फाइंड करना है. t इज इक्वल टू s
बाय वी एक्स वैल्यू हमारे पास है 0.8, ठीक है, और वी की वैल्यू है 0.2 आ गया, पॉइंट पॉइंट से कट गया 2 4 8, ठीक है 4 सेकंड। अदरवाइज अभी तो समझ सकते हैं कि 10 उसका नीचे 10 इधर आ गया, इसका 10 ऊपर जा, 10 10 से कट जाता है 2 4 8, अभी आ जाता है कंप्यूटर से कट जाता है, अभी आ जाता है, तो हमारे पास कितना रहेगा 4 सेकंड। ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब लास्ट न्यूमेरिकल है, ये बहुत अहम न्यूमेरिकल है, इसको जरा देखिए, इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ, हमने क्या करनी है, फाइंड वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी है 90 मेगाहर्ट्ज, एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज, और रेडियो वेव की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ठीक है। गिवन डाटा में फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज, ये हम पहले बात कर चुके हैं, मेगा का मतलब पता है 10⁶, 90 × 10⁶ आ जाएगा, ठीक है, और ये जो v है ये हमें बताया गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद आपने फाइंड करना है लैम्डा, v इक्वल टू f लैम्डा, ठीक है। अब v की वैल्यू 3 × 10⁸ और f की वैल्यू 90 × 10⁶ लैम्डा as it is, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखिए, अब आपने क्या करना है कि ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई है तो जाकर क्या हो जाएगी डिवाइड, तो जाकर क्या हो जाएगी डिवाइड, तो ये हो जाएगा डिवाइड होगा, इसको इस पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, अरेंज करते हैं लैम्डा पहले इस साइड पे अरेंज करके इधर लिखते हैं, तो इनको डिवाइड करने से आ जाएगा 0.0333, मतलब 300 चलता जा रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई इसको इस पे डिवाइड किया तो 10 की पावर लेके प्लस 6 से उधर क्या हो जाएगी -6, 8 - 6 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गई 10 की पावर 2, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 100 के इक्वल होती है, 100 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3.333 मीटर, ये हमारा आंसर है। अगर किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो तो हम आपसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में बात कर सकते हैं, हम आपको इसका आंसर देंगे।